हेलो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई एम श्योर यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। मार्केट हैज बीन रीजनेबली ओके। लास्ट टू थ्री डेज हैव बीन स्लाइटली टफर फॉर द मार्केट पार्टिसिपेंट, बट ठीक है, दैट इज हाउ द मार्केट इज। एंड कभी पल में तोला पल में सोना, यही चलता रहता है मार्केट में। सो टुडे इज अ स्पेशल सेशन वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय पैशन, माय लव, my sincere effort for entire stock market fraternity, which is stockage. Aaj main aap logo ko stockage ke bare mein batana chahta hu, because I feel there is so much you can do with this amazing platform that it's not a joke anymore. The kind of depth, the kind of knowledge, the kind of data points we have added in stockage, and the kind of utility stockage can give to you is absolutely mind-blowing. तो आज का सेशन हम लोग मोटा मोटी आधा घंटा अराउंड 30 मिनट्स तो 40 मिनट्स रखेंगे, जहां पर मैं की स्टॉकेज के जो फीचर्स है उसके बारे में चर्चा करूंगा। एंड ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू आल्सो टॉक अबाउट द प्रीमियम आउटपुट्स ऑफ स्टॉकेज व्हिच इज क्रिएटेड बाय आवर टीम विद लॉट ऑफ एफर्ट। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद में प्रीमियम आउटपुट्स आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। तो I would like to also offer you a discount coupon, which is one of the best discount coupons we have offered. So that I will release at the end of the video. So abhi, let me go through the structure of stockage aur aap kaise stockage ko use karke paisa bana sakte hain. Acha ek baat bataiye, paisa banana yahi to final objective hai na? Ultimately, why are we all in stock market? Because we want to make money. पैसा बनाना जो है ना, इट्स अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन इस स्टेटमेंट को यूज करना कई बार मुझे काउंटर प्रोडक्टिव लगता है कि पैसा तो सभी को बनाना है, राइट? बट क्या हम ये समझते हैं, डू वी अंडरस्टैंड दिस फॉर आवरसेल्फ, कि मुझे जो पैसा बनाना है उसका कैरेक्टर क्या होगा? बिकॉज द मनी यू मेक हैज ऑल्सो अ कैरेक्टर, एंड दैट कैरेक्टर इज रेजोनेशन विद यू। Your character and the kind of money you are making, both the character actually merges. एक example के रूप में, अगर मैं bank का robbery करता हूँ और मेरे पास जो पैसा आएगा वो robbery से कमाया हुआ पैसा है, अगर मैं lottery ticket खरीदता हूँ और जो मेरे पास पैसा आएगा अगर मैं lottery जीत जाता हूँ तो वो lottery ticket से जीता हुआ पैसा है, अगर मैं रस्ते में खड़े होके कटोरा लेके पैसा मांगता हूँ तो वो उसका कलर अलग है। So the color of money and the character of a person actually merges after a point of time. शेयर बाजार के अंदर में इसका सबसे बड़ा application है, सबसे बड़ा application, क्योंकि शेयर बाजार में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के characters हैं, and different people with different characters have different color. कोई ब्लू कलर का इंडिविजुअल है, कोई ग्रीन कलर का है, कोई लाल कलर का है, कोई ब्राउन कलर का है, because all of us have some unique characters, unique way of looking at the market. So first thing first, हमको market में अगर बड़ा बनना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको अपने बारे में जानना होगा। और अगर आप अपने बारे में नहीं जानते तो market आपको वो नहीं देगा जो आप चाहते हैं, because market को ही नहीं पता कि आप कौन है। If you don't know who you are and if you are not communicating this to the market that hey market, this is what I am and please give me the money which belongs to me as that character. So the color of money is not green. The color of money is the color of the character of the person who is making that money. जब हम किसी भी तरह का मार्केट का पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा दायरा क्या है, what is our limitation, what is our scope, what is our vision. If you have understanding of your limitation, your scope and vision, you actually plan your market participation accordingly. Stockage की बात करते करते मैं क्या बात करने लग गया आपसे? क्योंकि बात stockage की चालू हुई थी 2014 में, 2015 में, जब ये माइंड में आया था बात कि यार रिटेल जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास पे शायद वो नहीं है जो हमारे जैसे लोगों के पास है, जो हम इंस्टीट्यूशनल या हम प्रॉप ट्रेडिंग बैकग्राउंड के, हमारे पास ब्लूमबर्ग है, रॉयटर्स है, लोगों के पास वो नहीं है, तो क्यों ना लोगों को वो दिया जाए ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए।
लेवल प्लेइंग फील्ड होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर आप पहले से ही डिसएडवांटेज में, और मेरे पास ऐसा डेटा ऐसा टूल है जो मुझे एडवांटेज में रख रहा है, तो आप तो ऑलरेडी डिफीटेड है। तो स्टॉकेज ने ये काम किया, एक लेवल प्लेइंग फील्ड लोगों को दे दिया। अब ये कंप्लेन नहीं चलेगा कि मेरे पास तो डेटा ही नहीं है, या ये भी कंप्लेन नहीं चलेगा कि मेरे पास जो डेटा आया वो गलत है, या ये भी नहीं चलेगा कि मेरे को भर भर के इंफॉर्मेशन दे दी गई है। ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया स्टॉकेज ने। मई 2016 में हमने इसको लॉन्च किया था और इसको अपना बच्चा समझ के, अपना बेबी समझ के इसको नर्चर कर रहे हैं। फॉर अस स्टॉकेज इज नॉट अ बिजनेस, इट इज नॉट अ इज अ प्रोडक्ट ऑफ माई बिजनेस, इट इज लिटरली माई सोल, माई टीम्स मेंबर्स सोल, विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ टेक प्रोडक्ट। इसीलिए आप देखोगे स्टॉकेज के अंदर में हम लोग पुश नहीं करते हैं। वी डोंट वॉन्ट कि फलाना आदमी आपको बोले स्टॉकेज ले लो, स्टॉकेज ले लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, स्टॉकेज वो ऐसा एक फिलोसॉफी है। इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ फिलोसॉफी विच इज मेंट टू एम्पावर एवरी रिटेल इन्वेस्टर ऑफ आवर कंट्री। अब वो एक और बात है कि ज्यादातर लोग इंटरटेनमेंट सीकर्स होते हैं, तो उनको क्या चाहिए पता है? या तो उनको स्टॉक स्पेसिफिक इंटरटेनमेंट दे दो, या उनको मस्ती करते करते कुछ बता दो कि ये कर ले वो कर ले। ये मुझसे ना होता है। मैं बहुत क्लियर हूं अपने फिलोसॉफी ऑफ लाइफ में कि जब आप किसी से पैसों की बात कर रहे हैं, जब आप किसी को पाथ दे रहे हैं कि आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं, तो उसमें मस्ती नहीं हो सकती, उसमें ग्लैमर नहीं हो सकता है, उसमें सीरियस डिस्कशन होगा। इसलिए आप देखो स्टॉकेज में ग्लैमर नहीं है। कई लोग मुझे फीडबैक देते हैं कि विवेक सर, स्टॉकेज तो बहुत ही बोरिंग टाइप का प्लेटफॉर्म लगता है। मैं उनको बोलता हूँ कि हाँ बात सही है, बोरिंग ही है, बिकॉज बड़े पैसा तभी बनता है जब आप बोरिंग होते हैं, जब आप ग्लैमरस होते हैं, जब आप सेक्सी होते हैं, तो यस आपके पास लोग तने आते हैं, लेकिन उसका यूटिलिटी वैल्यू बहुत कम होता है। और आप ये रियल लाइफ में भी देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जो डल बोरिंग होता है वो बहुत ज्यादा पैसा बनाता है लॉन्ग टर्म में। सो एनीवेज, लेट्स गेट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉकेज। थोड़ा सा मैंने फिलोसॉफिकल बातें कर ली, बिकॉज आई थॉट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू थिंक अबाउट फिलोसॉफीज ऑफ लाइफ, बिकॉज फाइनली हम सब इस मार्केट में है, या वट एवर वी आर डूइंग इन दिस लाइफ, देर इज अ क्लियर कट इंटेंट ऑफ लिविंग अ होलिस्टिक लाइफ एंड नॉट जस्ट लिविंग life for the heck of living a life, right? So stockage ke bare mein baat karte hain. So this is the web version of stockage, okay? Web version of stockage humko kaise milega? To jab hum stockage.com mein jate hain, which is the website of stockage, yahan par jab hum jate hain to yahan aapko nazar aayega app version, yahan par nazar aayega android version, aur yahan par nazar aayega web version. Isko aap click karenge to kya khulega? web.stockage.com, which is the web version of stockage. हमने इसी को यूज किया ऐप के रूप में भी। तो जब आप इसको ऐप वर्जन देखना चाहेंगे तो ये है ऐप वर्जन। सो जब आप मोबाइल में इसको डाउनलोड करेंगे तो ये कुछ ऐसा नजर आता है। दिस इज द ऐप वर्जन ऑफ स्टॉकेज। ऑलराइट, तो चलिए वेब ऐप वर्जन पे फोकस करते हैं, बिकॉज इट विल बी इजियर फॉर अस टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉकेज विद द वेब ऐप वर्जन। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, माई स्टॉकेज विच विल हेल्प यू टू कस्टमाइज स्टॉकेज बेस्ड ऑन योर नीड, लर्न, जो मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, वेयर आई एम ट्राइंग टू टीच यू स्टॉकेज। मैंने मल्टीपल वीडियोज बना रखे हैं यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं, साथ में स्टॉकेज के अंदर में आप कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं वो भी सिखाते हैं। सो दिस एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ लर्निंग वीडियोज विल मेक यू प्रिपेयर्ड for not just stockage but also for the market. All right, the structure of stockage is very simple. Left menu talks about various things. The body, which is the main part, ye main part hai stockage ka, ye kuch aur batata hai. Aur right side, which is value added services, which has informations, which has digital diary notes, which has stockage community called stockage club, and you can transact
फ्रॉम स्टॉकेज इटसेल्फ विद योर रेस्पेक्टिव ब्रोकर। ये एक फैसिलिटी है जो हर किसी को नहीं पता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर इन्वेस्टर हैं, अगर आप बहुत एक्टिव ट्रेडर है तो मे बी आप ब्रोकर का टर्मिनल ही यूज करना चाहेंगे, बट इफ यू आर एन इन्वेस्टर एंड इफ यू डू पैसिव इन्वेस्टिंग इन मार्केट और एक्टिव इन्वेस्टिंग इन मार्केट, देन यू कैन लॉग इन विद योर रेस्पेक्टिव ब्रोकर फ्रॉम स्टॉकेज इटसेल्फ एंड ट्रांजैक्ट। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, इट इज बेसिकली टू सिग्निफाई the value of stockage from the कि आप पैसा कैसे बना सकते हैं, and I have called this video an ATM of stock market. It is an ATM of stock market. यहाँ से पैसा बहुत निकल सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ATM को use कैसे करते हैं. So that is my primary objective. But शुरुआत में I just want to give you a feel of the structure of the stockage, because इससे आपको पता रहेगा कि कहाँ क्या मिलेगा और किससे क्या हम use कर सकते हैं. Alright, in this body, you see there is explore, which is basically the most of the explore section data is free data points, and there is premium analytics, jo basically khoon paseene se banayi hui hai. Khoon paseena laga hai ye premium analytics banane mein, and extreme level of efforts is going in making more and more premium analytics so that you guys can actually use these outputs for your decision making. और जब आप डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो दो तरह के डिसीजन मेकिंग होते हैं, या तो आप इन्वेस्टिंग डिसीजन की बात कर रहे हैं या आप ट्रेडिंग डिसीजन की बात कर रहे हैं. मैं आपको ये दोनों, बोथ दीज डिसीजन मेकिंग, हाउ यू कैन एक्सेल यूजिंग स्टॉकेज विथ योर डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम्स फॉर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग पर्पस, ये दोनों मैं आपको बताऊंगा. बट चले पहले कुछ फ्री डेटा पॉइंट्स पे आते हैं. न्यूज एंड अपडेट्स, हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में जो न्यूज देते हैं आपको, पर आपको देखना होगा कि लिमिटेड न्यूज कौन दे रहा है और हर न्यूज के साथ में स्टॉक और सेक्टर को कॉन्टैक्ट कर रहा है, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूज तो मिल जाएगा, बट क्या इस न्यूज का इंपैक्ट किसी सेक्टर में होगा कि इंडस्ट्री में होगा, ये आपको मिलना मुश्किल है. तो ये यहां से आपको पता लग जाएगा. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, Phoenix Mills has completed the acquisition of a prime city center land parcel in Surat, Gujarat, measuring approximately 7 acres. So Phoenix Mill ne agar ye kharida hai to uska koi koi impact hoga, future mein iska koi na koi relevance hoga. To main click karunga aur Phoenix Mill ka study karne mein lag jaunga. To uska study jab aap karenge to aapko sab tarah ka data points chahiye, aapko price action chahiye, आपको फंडामेंटल्स चाहिए, आपको टेक्निकल्स चाहिए, इवन स्टॉक्स विच आर इन डेरिवेटिव्स आपको वो इंफॉर्मेशन भी चाहिए. तो किसी भी एक स्टॉक का 360 डिग्री इंफॉर्मेशन आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे चाहिए, तो वो है स्टॉकेज. आई कैन क्लेम दिस विद अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ प्राउड एंड सिक्योरिटी दैट स्टॉकेज के अंदर में किसी भी स्टॉक के बारे में इतना इंफॉर्मेशन है कि एक्चुअल में आपको कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम न्यूज यू हैव टू सी अनाउंसमेंट्स कि कंपनीज क्या क्या अनाउंसमेंट कर रही है. यहां सारे मेजर कंपनीज की अनाउंसमेंट आती है, एंड लॉट ऑफ दीज अनाउंसमेंट्स कैन बी क्वाइट इंटरेस्टिंग इफ यू ट्रैक देम प्रॉपरली. और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अनाउंसमेंट्स को आपको ट्रैक करना चाहिए. फिर उसके बाद इंडाइसिस, इंडाइसिस से हमको ये पता लगता है कि कौन से कैटेगरी ऑफ इंडेक्स में आउट परफॉर्मेंस चल रहा है या अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है. जैसे एग्जांपल के रूप में, लास्ट एक हफ्ते के अंदर में पीएसयू बैंक्स में 0.8% की तेजी हुई है, ऑयल एंड गैस में 0.3% की तेजी हुई है, एंड देयर आर अदर इंडाइसेस व्हिच आर लिस्टेड इन द एक्सचेंज. वेयर एज लूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, लास्ट एक हफ्ते के अंदर में we have the most lost sector is the media sector. Iska matlab the intention should be to ride the sectors which are positive, which are growing, and exit the sectors which are not growing, which are negative. Fir uske baad aur sare bahut sare output hai, to main iska aapko demo video nahi bolna chahunga isko, because there is so much which you can learn about stockage. If you go to the learn section of stockage, यहां पर आपको ट्यूटोरियल में ऐसी ट्यूटोरियल न्यू, यहां पर आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा जिसको मैंने रिकॉर्ड किया है, एंड टुडे आल्सो एट 7:30 यू विल गेट वन वीडियो. तो ये 16 वीडियोस का मैंने एक सीरीज रिकॉर्ड कर लिया
जो अगर आप देखोगे उससे स्टॉकेज का एक एक एस्पेक्ट के बारे में आप समझ जाओगे. एंड एज दे से दैट एटीएम मशीन को यूज करना सीख जाओगे. लेकिन आज का मुद्दा वो नहीं था कि स्टॉकेज का डेमो दे दूं आपको. आज का मुद्दा हमारा था कि वो पैसा कैसे निकलता है. बिकॉज मशीन का मैनुअल तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, स्टॉकेज के अंदर में मैंने डाल दिया, बट पैसा निकलता कैसे इसकी बातचीत करते हैं. तो पैसा जब निकालने की बात होती है तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप है कौन, ये तो पहले जानिए. हु आर यू? यू आर एन इन्वेस्टर और यू आर अ ट्रेडर. व्हेन यू आर अ ट्रेडर यू हैव टू गिव लॉट ऑफ एम्फेसिस टू प्राइस एक्शन, कि भाव क्या बोल रहा है. इफ यू आर एन इन्वेस्टर यू वॉन्ट टू गिव लॉट ऑफ एम्फेसिस टू कि बिजनेस क्या बोल रहा है, राइट. एक बार जस्ट क्विकली इस पे अपनी कुछ चर्चा करते हैं थोड़ी देर के लिए. जब मैं इन्वेस्टर बनने की बात करता हूं तो मैं एक बिजनेसमैन की तरह पार्टिसिपेट करने की बात करता हूं. इसका मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द बिजनेस इज डूइंग. हाउ द बिजनेस इज डूइंग द क्वेश्चन हैज लॉट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द आंसर, राइट. उसके क्या कंपोनेंट होंगे कि भाई फाइनेंशियल्स क्या बोल रहा है, सेक्टर का क्या पोटेंशियल है, गवर्नमेंट पॉलिसीज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पोटेंशियल है, मैक्रो क्या बोल रहा है, क्या पोटेंशियल है, और मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, क्या पोटेंशियल है. तो जब आप फंडामेंटल व्यू बनाने की बात करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, सो इट इज नॉट जस्ट प्राइस विच इज अ डिसीजन मेकिंग टूल, बट इट इज मोर देन प्राइस विच इज अ डिसीजन मेकिंग टूल. एक बार इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे को चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. एक सेक्शन है स्टॉकेज का, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट आइडियाज. इस सेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, दो क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर हमको देना है. पहला क्वेश्चन क्या लेना है, दूसरा क्वेश्चन कब लेना है, राइट. यही तो है, एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए, इसी प्रश्न का तो आंसर चाहिए कि भैया क्या लेना है और कब लेना है ये बता दो. तो टाटा एलेक्सी जैसे एक स्टॉक है जो अभी टॉप में है. यहां पर वो टॉप में क्यों है, उसका रीजन है. चलिए इसके अंदर में चलते हैं. टाटा एलेक्सी को हमने रेटिंग दिया, ये हमारी रेटिंग है, 6 पैरामीटर में हमने इसको रेटिंग दिया, ओके. क्वालिटी, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी, सॉल्वेंसी और वैल्यूएशन. और अगर इस पैरामीटर का आपको डिटेल चाहिए तो यहां पर केस स्टडी आपको दिख जाएगी. क्लिक करिए और उस केस स्टडी को डाउनलोड करिए और पढ़ डालिए कि टाटा एलेक्सी के बारे में हमने जो जो बात की है वो यहां पर मेंशन्ड है, कि टाटा एलेक्सी कौन सी कंपनी है, क्या करती है, इसका रेवेन्यू मिक्स क्या है, उसका क्या क्या पैरामीटर्स पे हमने इसको रेटिंग दिया है और क्यों हमने ये रेटिंग दिया है. इट्स अ मिक्स ऑफ AI एंड HI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है जो फाइनली एक स्टॉक को रेट कर रहा है. बिकॉज स्टॉक को रेटिंग हम सिर्फ डेटा ड्रिवन नहीं कर सकते हैं, हमको कहीं ना कहीं लेयर ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, फ्यूचर पोटेंशियल को भी डालना पड़ेगा टू कम आउट विद दैट मैजिकल रेटिंग फॉर एनी स्टॉक. सो टाटा एलेक्सी इज रेटेड 23 out of 30, विच इज गुड. 20 के ऊपर है तो अच्छा है, 25 के ऊपर है तो जबरदस्त है, 23 इज ऑल्सो गुड, वर्थ लुकिंग एट. तो पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया हमने कि टाटा एलेक्सी कंपनी तो अच्छी है, रेटिंग अच्छा है. दूसरा क्वेश्चन का आंसर कब लेना है. हर भाव में हर स्टॉक को नहीं लिया जा सकता है. यू कैन ओनली टेक बाय अ स्टॉक व्हेन इट रीचेस द राइट प्राइस. तो कब लेना है इस पे क्लिक करो की लेवल्स और यहां पर एज चार्ट जो ग्राफ है जो प्रेजेंट करता है हमारा एल्गोरिदम को जो बताता है कि किस स्टॉक को कब लेना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीन बताता है कि अब लेना है और ये लाल बताता है कि बेच देना है या ओवर वैल्यूड हो गया है. अच्छा वैसे ओवर वैल्यूड होना है तो इसका मतलब ये नहीं कि बेच देना, इसका मतलब ये है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसका बहुत कम हो गया है. अब चांसेस है कि अगर आप अब लेंगे तो इसका मतलब आप हाई रिस्क में जोन में जा चुके हैं, तो बाय नहीं करना है लेकिन जो लिया हुआ है उसको रख सकते. तो अभी क्या हो रहा है, टाटा एलेक्सी जिसका 23 रेटिंग है पिछले कई क्वार्टर से, वो अपने मोटा मोटी एक बाइंग जोन विच इज 6400 उसके पास आ चुका है. अब यहां से थोड़ा थोड़ा पोजीशन
हम बिल्ड कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या चाहिए? उनको तो हमेशा चाहिए होता है कि सर शेयर बता दीजिए, किस शेयर में काम करें। उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ये है स्टॉक्स जिनमें आप काम कर सकते हैं विद एन एक्सप्लेनेशन कि क्यों आप इनमें काम करें, क्यों ये स्टॉक्स अच्छे हैं और उनका लेवल्स भी कि ये लेवल के आसपास अगर वो स्टॉक है तो वो अच्छा है। राइट नाउ वी आर कवरिंग सम स्टॉक्स, धीरे धीरे इस कवरेज को हम बढ़ाते रहेंगे और आपके लिए जबरदस्त स्टॉक लिस्ट हमेशा तैयार रहेगा जिसमें आप मार्केट में इन्वेस्ट करके अपना रेगुलर SIP डायरेक्ट स्टॉक के अंदर में कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा टेंजेंट को चेंज करते हैं। अभी तो अपने इन्वेस्टमेंट की बात किए थे ना, अब थोड़ा ट्रेडिंग में आ जाते हैं। व्हेनेवर वी आर ट्रेडिंग हमारा इंटरेस्ट क्या है कि सर कौन सा स्टॉक चलेगा ये बता दीजिए, बराबर है? कल कौन सा चलेगा, 10 दिन में कौन सा चलेगा, 4 महीने में कौन सा चलेगा, यही तो प्रश्न है ना जिसका आंसर आपको चाहिए। तो जब हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तब तो वो क्वेश्चन का आंसर हमको यहाँ रेडीमेड मिल जा रहा है, बट हम जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका रेडीमेड आंसर मिलेगा स्ट्रैटेजीज के अंदर में। तो वन डे बुलिश स्ट्रैटेजी, स्विंग बुलिश स्ट्रैटेजी, पोजिशनल बुलिश स्ट्रैटेजी। चलिए स्विंग बुलिश स्ट्रैटेजी में चलते हैं। वहां पर एक स्ट्रैटेजी है ईगल। ईगल मतलब समझ गए आप, ईगल। ईगल कौन सा है जानवर? है ईगल ना, जो बादलों के ऊपर चलता है, जो ऊपर जाने में डरता नहीं है। तो ये वैसे स्टॉक्स है जो ऊपर जाएंगे और आपको उनके अंदर में अगर ऊपर के भाव पे पार्टिसिपेट करना है तो आप करते रहिए। ईगल के स्टॉक्स का एग्जांपल जेके लक्ष्मी सीमेंट, ईगल स्टॉक्स है। इसका कैरेक्टर क्या है? सब चीज ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, वी हैव नॉट हिडन एनीथिंग। जैसा कि कई लोग करते हैं ना, अपना मॉडल को हाइड कर देंगे कि मैं नहीं दिखाने वाला हूं। हम बिलीव करते हैं कि ट्रांसपेरेंटली लोगों को दिखाओ, लोगों को कॉन्फिडेंस दो कि हाँ भाई मैं ऐसे बेसिस पे स्टॉक को निकाल रहा हूं, अब आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। सो ईगल स्टॉक्स का ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जेके लक्ष्मी सीमेंट, इसके अंदर चलते हैं। एंड लेट अस सी द प्राइस एक्शन ऑफ जेके लक्ष्मी सीमेंट। सो क्या चल रहा है, देखें इसका चार्ट, देखें एच चार्ट जो कि हमारा चार्ट है। ये देखिए ये स्टॉक, ये मेरा मॉडल है जो मैंने बनाया है, RS मॉडल। ये स्टॉक कितना आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है इतने दिनों से, और 550 का स्टॉक 800 रुपया, अगर अभी भी ये ईगल स्टॉक है इसका मतलब चांसेस है कि इसमें और तेजी हो जाए, बट ये चांसेस है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि होगा, ये चांसेस है कि इसमें और तेजी हो सकती है। सॉरी एक मिनट, मेरे घर से फोन आ रहा है, जस्ट एक मिनट, अर्जेंटली लेना पड़ेगा, जस्ट 1 मिनट। सॉरी, तो घर से फोन आता है तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं पिक करूं, क्योंकि कुछ भी अर्जेंसी आ सकती है। तो सिमिलरली इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स आपको यहां पर मिल जाएंगे जो रेडीमेड स्ट्रेटजीज के रूप में हमको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे भारत फोर्ज। अब इसका बेसिक फंडामेंटल स्टडी हमने किया है, लेकिन हम खाली चार्ट पैटर्न, प्राइस बिहेवियर को जज करें तो स्टॉक में प्राइस का स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, और RSI विच इज द मोमेंटम इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो भारत फोर्ज, सो मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बट आई एम ट्राइंग टू से दैट यहीं पर ही आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनमें कुछ हो रहा है और शायद वो स्टॉक में आने वाले दिनों में मोमेंटम और रहे। तो ये तो ईगल की बात हुई, फिर डव है, फिर फिनिक्स है। हर बर्ड, हर कैरेक्टर का एक कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर के साथ अपने आप को आपको मैच करना है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा था ना शुरुआत में, आपका क्या कैरेक्टर है, क्या आप ईगल है, क्या आप डव है, क्या आप फिनिक्स है, और आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से मार्केट के स्ट्रैटेजीज को डिफाइन करिए, तब आप लंबी अवधि तक मार्केट में टिके रहेंगे और स्टॉकेज उस जर्नी में आपके साथ में डटा रहेगा। नाउ सम पीपल विल से कि सर ये तो आपने रेडीमेड बता दिया, अब हम रेडीमेड चीजों को ही देखेंगे, मजा आएगा। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि ये तो हो गया मेरी तरफ से रेडीमेड आउटपुट्स, बट क्यों ना हम मछली पकड़ना भी सीख लें। क्यों हम खाली मछली, रेडीमेड मछली चाहिए हमको? मछली कैसे पकड़ते हैं, उसके लिए जो सामग्रियां चाहिए, जो टूल्स चाहिए,
वो भी स्टॉकेज में है, जैसे स्कैंस। मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉकेज जैसा यूटिलिटी आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज यहां पर ऐसे ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं, इतने इजीली मिलते हैं दैट इट इज नॉट अ जोक एनीमोर। जैसे एक एग्जांपल के रूप में रिलेटिव स्ट्रेंथ स्कैन, मतलब ये मेरा मॉडल जो RS55 हम लोगों ने बनाया है, मैं कॉन्फिडेंटली या बहुत प्राउडली बोलता हूँ ये कि RS55 का इनोवेशन हमने किया और उसको हमने स्टॉकेज में डाला और उसका यूटिलिटी जबरदस्त है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, स्टॉक्स विच आर स्ट्रॉन्गली आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क इंडेक्स, मतलब वो घोड़े कौन से हैं जो मार्केट से बहुत ऊपर चल रहे हैं और शायद उनके अंदर पर लग चुका है कि घोड़े ऊपर जा रहे हैं। सो स्टॉक आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क इंडेक्स, लेट्स सी द लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स। यूको बैंक सबसे ज्यादा तेज, पंजाब सिंध सबसे ज्यादा तेज, फैक्ट अमेजिंग तेज, रेल विकास निगम अमेजिंग तेज। तो ये स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली ऑलरेडी बहुत भर चुके हैं, बहुत महंगे हो चुके हैं। तो मुझे क्या देखना है, मुझे नीचे के स्टॉक्स देखने हैं जिनका आरएस अभी भी पॉजिटिव है और जिनमें कुछ हो सकता है, राइट? जैसे और नीचे चलते, और या तो आप नीचे इसमें चलिए या आप एक काम करिए ना, एक्सेल ही डाउनलोड कर लीजिए, इससे भी आपको काफी फायदा होगा। स्टॉकेज के अंदर में जितने भी क्रिटिकल डेटा पॉइंट्स है ना, हमने आपको एक्सेल डाउनलोड का अपॉर्चुनिटी दे दिया ताकि आप इस एक्सेल को यूज करके और एक्सेल गिरी करें। एक्सेल गिरी करना बहुत जरूरी है, अगर आप एक्सेल सीख लेंगे ना तो आई एम टेलिंग यू वर्ल्ड विल नेवर एबल टू बीट यू, वर्ल्ड विल नेवर एबल टू बीट यू इफ यू लर्न हाउ टू यूज एक्सेल। और अगर आपको एक्सेल सीखना ही है तो मैं आपको एक राय देता हूँ, एलन मार्केट्स के अंदर में एक बहुत ही जबरदस्त हमने कोर्स बना रखा है एक्सेल पे। मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी आपके लिए आपके फायदे की बात कर रहा हूँ कि एक्सेल का कोर्स जरूर लीजिए या एक्सेल जरूर सीखिए, चाहे आप हमसे सीखे या किसी और से सीखे, ये आपको इतना आत्मनिर्भर बना देगा कि यू विल नॉट रिपेंट ऑफ using this amazing utility called Excel. Okay, so download, time लग रहा है इसके अंदर में download होने में, maybe मेरा internet थोड़ा slow हो, so let's go back, let's not download this, एक बार refresh कर लेता हूँ मैं इस window को। तो एक बार नीचे चलते हैं और ऐसा कोई stock ढूंढते हैं जिसका RS काफी strong है, जो नीचे आपको आरएस 0.1 के ऊपर आरएस होगा तो ये स्ट्रॉन्ग है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आईएफएल फाइनेंस, ओके, जस्ट एक एग्जांपल है, दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। इसका देखिए आरएस कब से ऊपर है, यहां से ऊपर है, ब्रेकआउट पे कितना अच्छा मूवमेंट है और कांस्टेंट इसके अंदर में बाइंग आती है, कंसोलिडेट, बाइंग कंसोलिडेशन, बाइंग कंसोलिडेशन, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और किसी भी चंद से, किसी भी शाह जी से, किसी भी शर्मा जी से, किसी से हमको कोई स्टॉक आइडिया नहीं चाहिए। हमारा स्टॉकेज जिसका फिलोसॉफी है सेल्फ इज स्मार्ट, मैं खुद जब स्मार्ट बन सकता हूं तो मैं स्मार्ट लोगों के अधर में क्यों पढ़ू, मैं अपना खुद का स्मार्टनेस क्रिएट करूंगा। तो आप यहां पर देखिए, यस बैंक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं कभी नहीं ले सकता हूं, फंडामेंटली इसमें व्यू बना के कभी नहीं ले सकता हूं, बट मोमेंटम में अगर इसमें बाइंग आ रही है तो मैं इसमें अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो अगर आप ये पूरा प्रोसेस को सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये सिखा रखा है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो पीपल हु आर नॉट येट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और ज्वाइन यूट्यूब चैनल, दिस इज फॉर यू, यू शुड मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर में लर्न टू ट्रेड है, जो I would say, and I'm very proud of this, and obviously my team member Puna has been instrumental in doing this. I'm so proud that humne free democratize kar diya trading ka education. Ki basic education ya strategy pe aapko koi course nahi kharidna. Now you can look at this and become part of Stockage community called Stockage Club and do it on your own rather than becoming dependent on other people. तो ऐसे बहुत सारे स्कैन है, प्राइस स्कैन, डिलीवरी स्कैन, पूरे कंट्री को डिलीवरी देखना हमने सिखाया, नो वन वॉज लुकिंग एट डिलीवरी डेटा,
But because we are real people from real market, we knew the importance of this data. And that's why we presented this data. But aisa hai ki har koi nahi use karta hai. Aur main sachi baat bolu, main chahta bhi nahi hu bahut zyada use kare log. Aur aap na logo ke sath mein share bhi mat kijiyega. Because jitne zyada use karenge log, utna sabko empower ho jayenge, which is also a problem. Hum to chahte hai kam log empower kare na. To aap apne tak hi rakhiyega. Stockage ko zyada logo ko use karne mat bhulega. Aap lekin puri tarike se use kariye aur iska fayda uthaiye. Fundamental scan. दो दिन पहले मैं किसी से मिला था और उन्होंने कहा कि विवेक तुमने जो फंडामेंटल स्कैन का इजी आउटपुट प्रोड्यूस किया है ना इट इज माइंड ब्लोइंग. कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर स्कैन है जिन्होंने कॉम्प्लिकेट कर रखा है स्कैन इंजन को, तुमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया. मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं कैसे सिंप्लीफाई किया. सिंपल डेटा देखिए, वो कौन से स्टॉक है जो लो पेग रेशियो है. पेग रेशियो मतलब पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ. तो ये सारी कंपनीज है जिनका पेग रेशियो कम है. फाइनली अगर चलेंगी तो यही कंपनी चलेंगी ना जिनका पेग रेशियो कम है, क्योंकि ये सस्ती कंपनी है. नाउ सस्ती कंपनी और ग्रोइंग कंपनी इज बेसिकली अ लो पी रेशियो. अब इतना सारा स्कैन है तो हम इतने स्कैन से इतने स्टॉक्स निकालेंगे या मल्टीपल स्कैन्स को कंबाइन करके हम अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे. जैसे मैं एक कॉम्बिनेशन फॉलो करता हूं, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन, जिसको मैं कहता हूं फीपा. ये मेरा खुद का कॉम्बिनेशन है. इसमें क्या है, स्टॉक्स जो 52 वीक हाई जोन में, स्टॉक जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हुआ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हुआ है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है, क्वार्टरली एबिटा इंप्रूव हुआ है, हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स. क्यों ऐसा लग रहा है ना कि अरे ये तो जबरदस्त स्टॉक होगा, बिकॉज इसमें तो सारी खूबियां है. जैसे पांडव से द्रौपदी का शादी हुआ, क्यों? क्योंकि द्रौपदी बोली मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे. अरे एक ही जगह सब नहीं मिला तो भगवान ने कहा कि भाई चलो तुमको 5 वर दिए जाएंगे, बिकॉज तुमको इतना कुछ चाहिए एक वर में जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. बट स्टॉकेज ने क्या किया, आपको जो जो चाहिए वो सब यहाँ डाल दो और फाइनली आपको वो स्टॉक्स मिलेंगे जो ये सब कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो स्टॉक्स क्या है, अबॉट इंडिया. चले एक बार अबॉट इंडिया का चार्ट देखें. लेट्स सी द चार्ट ऑफ अबॉट इंडिया. देखिए मार्केट स्ट्रेंथ देखिए, आरएसआई देखिए, वॉल्यूम देखिए और प्राइस एक्शन देखिए. ये गिरता है, एक एक गिरता है, लेकिन ये हायर हाइज और हायर लोज बनाता जा रहा है. करेक्ट. साथ में आप डिलीवरी डेटा को भी स्टडी करिए कि वीकली बेसिस पे इसमें क्या डिलीवरी हो रहा है. जैसे पिछले वीक के अंदर में इसमें जो वीवैप बना वो बना 20,644 का और ये 1.25% इंक्रीज हुआ पिछले वीक. पिछले मंथ के अंदर में 2% इंक्रीज हुआ, इसका डिलीवरी ज्यादा नहीं था इस मंथ में अभी तक. तो इस तरह से मल्टीपल डेटा पॉइंट्स को हम स्टडी करके अपने स्टॉक्स के अंदर में पोजिशन लेने का जो हमारा तरीका है उसको हम खुद डिफाइन कर सकते हैं. वी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल. कुछ और चीजें हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ. ये तो बहुत ही छोटी छोटी बातें ट्रेलर मैंने आपके साथ कर दी, बट कुछ ऐसे आउटपुट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे मार्केट ब्रेथ, जो बताता है कि मार्केट के अंदर में अभी बाइंग प्रोपेंसिटी है कि सेलिंग प्रोपेंसिटी है. सेक्टर रोटेशन, मैंने ऐसा आउटपुट इंडिया में कहीं नहीं देखा है जो हर सेक्टर में क्या चल रहा है उसके बारे में प्रेजेंटेशन देता है, जो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में भी फ्री ऑफ कॉस्ट. और सेक्टर रोटेशन से आपको पता लगता है कि किस सेक्टर के अंदर में अभी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, और डिलीवरी ऑफ सेक्टर रोटेशन से पता लगता है कि किस सेक्टर में एक्चुअली में पैसा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे को कैपिटल गुड्स के अंदर में डिलीवरी बढ़ी है, इसका मतलब इस सेक्टर के अंदर में पैसा जा रहा है. एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो जो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे जो प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग करते हैं, उनको कंपनी फाइलिंग्स भी देखना होता है कि वो कंपनी जिनका एनुअल रिपोर्ट क्या है, वो सारा डिटेल इसमें इजीली आ जाता है. जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो डेरिवेटिव्स को बहुत ट्रैक करते हैं, डेरिवेटिव एनालिटिक्स करते हैं. जैसे बलरामपुर चीनी में 25% ओआई बिल्डअप हुआ है, 2% भाव बढ़ा है, डिलीवरी भी अच्छा खासा हुआ है. तो ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है कि नहीं. चलिए अगर ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है तो इसका चार्ट देख लेते हैं
और इवेल्युएट कर लेते हैं कि क्या ये स्टॉक हम अपने पोजीशन के लिए यूज करें, और आंसर इस क्वेश्चन का है कि हाँ, बिकॉज ये स्टॉक में अच्छा खासा प्राइस एक्शन नजर आ रहा है, राइट? तो स्टॉक आइडेंटिफाई करना का एक साइंस है, उस स्टॉक को यूज करके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में उसको कन्वर्ट करना, ये एक फॉलो ऑन साइंस है। ये पूरा साइंस और क्या सही है क्या गलत है उसका आर्ट, ये सब हम सिखाते मेरे YouTube चैनल में। मैं पॉइंट बाय पॉइंट फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सिखा रहा हूं, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टॉकेज, इट इज अबाउट लर्निंग द एंटायर आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। और आप जितना जुड़ेंगे मुझसे, जितना जुड़ेंगे स्टॉकेज फैमिली से, आई सजेस्ट बिकम पार्ट ऑफ स्टॉकेज क्लब। स्टॉकेज क्लब एक ऐसा कम्युनिटी हमने बना दिया है, उसमें 10,000 से ज्यादा मेंबर्स है, पेड कम्युनिटी है, फ्री राइडर्स की वहां कोई जगह नहीं है। अगर आप सीरियस हो मार्केट में तो हम अपना संपूर्ण आपको देंगे, वी विल बी कमिटेड टू यू टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल मार्केट ट्रेडर। बट हैविंग सेड दैट, आज की बात जो है इट इज अराउंड स्टॉकेज, और ये जो प्रीमियम आउटपुट्स हम क्रिएट कर रखे हैं स्टॉकेज में, आई हैव नॉट बीन एबल टू कवर मेनी आउटपुट्स। जैसे वन ऑफ माय फेवरेट आउटपुट्स इज इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो ऑफ राधा किशन दवानी जी पोरेंजू, और ये पोर्टफोलियो जो हम बना रहे हैं, और बाकी टूल्स में जो पोर्टफोलियो आप उनको चेक करेगा तब आपको पता लगेगा कि हमारा क्वालिटी ऑफ डेटा एंड क्वालिटी ऑफ एनालिटिक्स इज फार फार सुपीरियर देन अदर पीपल इन द मार्केट। बिकॉज हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमको डेटा का बहुत रिस्पेक्ट है और हम उसको कभी भी गलत प्रेजेंट नहीं करना चाहेंगे। फाइनली, माय स्टॉकेज इज बेसिकली हेल्पिंग यू टू कस्टमाइज दिस स्टॉकेज बेस्ड ऑन योर नीड। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वॉचलिस्ट एक जो सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जहां पर स्टॉक प्राइस वॉचलिस्ट हुआ करते थे, हमने वॉचलिस्ट को इंटेलिजेंट वॉचलिस्ट बना दिया कि अब आप वॉचलिस्ट को देख के इंटेलिजेंटली एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि क्या इसमें से कौन सा स्टॉक है जिसमें मैं लेके काम करूं और कौन सा स्टॉक है जिसमें मैं बेच के काम करूं। जैसे अभी एशियन पेंट्स आप बेच के करेंगे बिकॉज ये अंडर परफॉर्मर है, जिस दिन ये आउट परफॉर्मेंस पे चला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी लाइफ आउट परफॉर्मिंग है, हडको आउट परफॉर्मिंग है, तो मैं इसमें लेके काम करूं। ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की है मेरे यूट्यूब चैनल में, प्लेलिस्ट है स्टॉकेज का, उस प्लेलिस्ट को देखिए, एक एक वीडियो को देखिए, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ स्टॉकेज एंड द वैल्यू इट एड्स टू योर इकोसिस्टम, टू योर जर्नी। तो ये था स्टॉकेज के बारे में। अब बिफोर वी क्लोज, दिल से कुछ बातें करना चाहता हूं आपसे, सो इसको थोड़ा सा मैं बस शेयरिंग को बंद कर देता हूं। या पहली बात, थैंक यू सो मच ये सेशन के लिए ज्वाइन करने के लिए, इट मींस अ लॉट, क्योंकि आप हैं और आप सपोर्ट करते हैं, तो मैं और मेरी पूरी टीम लगी हुई है कि आपको हर तरह से एम्पावर करें। ये देख रहे हैं आप, ये मेरे दिल के पास है, क्यों? क्योंकि यही है मेरा दिल, यही है मेरा सोल, और यही मुझे बचाता है, मेरे को मार्केट में टिके रहने का एहसास दिलाता है। तो आप लोग भी अपना एज अपने आप तैयार कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट करिए। इफ यू डोंट ट्रस्ट एनीवन, पीपल विल मेक यू फूल, ट्रस्ट पीपल विल मेक यू फूल, बिकॉज यहां पर मार्केट के अंदर में वल्चर्स है। यहां पर देखिए अल्टीमेटली सब पैसा कमाने आए हैं, एवरीवन इज हियर टू मेक मनी, नो वन इज हियर फॉर चैरिटी, राइट? मैं भी पैसा ही बनाने आया हूं, मैं चैरिटी नहीं कर रहा हूं, एवरीवन ऑफ अस, लेकिन मैं कुछ और भी कर रहा हूं आपके लिए। मैं आपको वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा हूं, एक गेम दे रहा, एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं, जिसको आप यूज करके मार्केट के अंदर में जो आपको करना चाहिए वो आप कर सकते हैं, राइट? तो मेरा एक हम्बल सबमिशन रहेगा आप सभी के लिए कि प्लीज बिलीव करिए इस चीज को कि सेल्फ इज रियली स्मार्ट, और आप अगर सेल्फ इज स्मार्ट को इम्बाइब कर लेंगे अपने अंदर, जैसे मैंने कर रखा, सेल्फ इज स्मार्ट, मैं खुद स्मार्ट हूं और कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, ये अगर हमारे अंदर में ये थॉट प्रोसेस आ गया, इससे हम अपने आप को आग्रह कर लिए, इफ वी आर वेरी श्योर दैट हमको अपने आप ही कुछ करना है, खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, हमको खुद ही करना है, हमको खुद ही करना है, हमको खुद ही केपेबल बनना है, मैं कर सकता हूँ, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा मुझे बेवकूफ बनाने के लिए,
जब तक ये सोच हमारे अंदर नहीं आएगी, जब तक हमारा फोकस नहीं होगा इस चीज में, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो स्टॉकेज और इंटायर स्टॉकेज फ्रेटर्निटी इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू इन योर एंडेवर। अगर आप सीरियसली इस चीज में बिलीव करते, अपने आप को एम्पावर करने में बिलीव करते, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। स्टॉकेज एज अ फ्रीमियम प्रोडक्ट, लॉट ऑफ फ्री डेटा पॉइंट्स, बहुत कुछ हमने दे रखा है फ्री है। लोग तो कई ऐसे हैं जो फ्री यूज करके बहुत पैसा कमा रहे हैं, एंड दैट इज अ फीडबैक आई गेट फ्रॉम मेनी पीपल। बट देयर आर लॉट ऑफ प्रीमियम आउटपुट्स व्हिच विल मेक योर लाइफ सो इजी, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपका समय बच गया ना तो पैसे बन गए, बिकॉज मनी, सबसे इंपॉर्टेंट मनी इज योर टाइम। एंड स्टॉकेज प्रोमिसेज यू दैट यू विल रिड्यूस योर टाइम ऑफ रिसर्च। दिन में सिर्फ आधा घंटा रात को सोने से पहले होमवर्क करना, एंड यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ इन स्टॉक मार्केट, एंड यूज द प्रीमियम फीचर्स ऑफ स्टॉकेज टू डू दैट। एज अ स्पेशल जेस्टर, बिकॉज दिसंबर है, फेस्टिवल चालू हो रहा है, क्रिसमस आने वाला है, एज अ स्पेशल जेस्टर आई वॉन्ट टू गिव यू अ स्पेशल कूपन कोड, जो इस वीडियो के नीचे मैं मेंशन कर दूंगा। तो आप प्रीमियम प्लान हमारा स्टॉकेज का लीजिए, बहुत रीजनेबल है, इट्स नथिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइस, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इट्स अमेजिंग। बिफोर आई क्लोज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई ब्यूटिफुल टीम, माई लवली टीम, स्पेशली द कस्टमर डिलाइट टीम। हम लोग का एक थॉट प्रोसेस है कि लोग जो है, जो हमारे फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनका लाइफ डिलाइटफुल होना चाहिए। इसलिए हमने हमारी सपोर्ट टीम का नाम चेंज किया कस्टमर डिलाइट, बिकॉज उनका एक ही पर्पस है, एक ही विजन है, एक ही सिद्धांत है कि एवरी पर्सन हु इज हेयर फॉर सम काइंड ऑफ अ हेल्प फ्रॉम अस शुड एक्चुअली गेट डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। तो ये इस बार का जो स्पेशल कूपन कोड है वो कस्टमर डिलाइट टीम की तरफ से है। उन्होंने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट किया, थैंक यू स्वाति, आपने मुझे फोर्स किया कि सर आप मेरी तरफ से हमारे जो स्टॉकेज के फैमिली मेंबर्स हैं उनको स्पेशल ऑफर दीजिए। तो मैं कस्टमर डिलाइट टीम की तरफ से आपको स्पेशल कूपन कोड दे रहा हूँ। इस वीडियो के नीचे में उसका लिंक है, कूपन कोड है, प्लीज आप स्टॉकेज को ट्राई कीजिए। द प्राइस इज टू लेस, ट्रस्ट मी द वैल्यू इज टू हाई, एंड एक साल ट्राई कीजिए, नहीं पसंद आया, नहीं वैल्यू आया, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप नहीं ट्राई करेंगे। बिकॉज वी आर ट्रूली ऑर्गेनाइजेशन हु डिराइव्स वैल्यू फ्रॉम आवर कस्टमर्स, नॉट फ्रॉम आवर इन्वेस्टर्स। हम लोग कस्टमर फर्स्ट कंपनी है, हम इन्वेस्टर फर्स्ट कंपनी नहीं है, और हम वो सारा काम करते हैं जो एक सही कस्टमर फेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए, विच इज गिविंग देम अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय द वे, आई एम श्योर कुछ लोग आप में से घूमने भी जा रहे होंगे, दिसंबर का महीना है, सो इट्स ऑलवेज हैप्पी डिलाइटफुल मंथ, एंड आई होप कोल्ड इज नॉट बॉदरिंग यू टू मच, ऑल्दो यहां पर कोल्ड इज हैज जस्ट स्टार्टेड पिकिंग इन। तो आप हॉलीडे पे जा रहे होंगे तो हैप्पी हॉलीडे, और एंजॉय योर फेस्टिवल्स, दिसंबर एंड, एंड डोंट थिंक टू मच अबाउट द मार्केट। अगर आप लंबी इनिंग के लिए मार्केट में आए, टेस्ट इनिंग के लिए आए, तो यू हैव इनफ टाइम टू लर्न एंड यू प्रैक्टिस फ्रॉम यूजिंग टूल्स लाइक स्टॉकेज। बट अगर आप हाँ गली क्रिकेट खेलने आए 8 ओवर के लिए, देन ऑब्वियसली यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तब आपको शायद टिप प्रोवाइडर्स के पास ही जाना पड़ेगा, जो आपको फटाफट टिप बताएंगे, विच इज नॉट वी वॉन्ट टू डू। We want to make you prepared for the test match so that you have a long-term career in cricketing world of stock market. Thank you. Good night. Take care. And please take care and enjoy your holidays as well as your participation. Bye-bye.